हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया है। नीट 2021 रिजल्ट के बाद अब काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, नीट 2021 काउंसलिंग शेड्यूल, प्रोसेस, राउंड्स, अलॉटमेंट, ये सीट्स कितनी है, ये लेटेस्ट अपडेट आया है। तो नीट 2021 काउंसलिंग सभी को मालूम है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दो होती है। तो ऑल इंडिया कोटा के जो तीन राउंड होते हैं, उन काउंसलिंग की क्या डेट रह सकती है, ये सारा अपडेट इस वीडियो में मिलने जा रहा है आपको। तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपकी एमसीसी की वेबसाइट पर, यानी mcc.nic.in पर नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और रिजल्ट आने के बाद, तो आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर से लगभग आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, चॉइस फिलिंग वगैरह इसके बाद होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप देख लीजिए, क्या लिस्ट रह सकती है एम्स, जिपमर सब में एडमिशन के लिए। तो ये देखिए, राउंड वन, राउंड टू, मॉपअप राउंड, तीन राउंड होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होके थर्ड वीक ऑफ नवंबर तक चलेगी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, ठीक है। और मॉपअप राउंड की जो है थर्ड वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगी, और मॉपअप राउंड की सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। यानी आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है थर्ड वीक ऑफ नवंबर, मॉपअप राउंड की सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। इसके बाद ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग इसके बाद होता है, वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर फर्स्ट राउंड, इसके बाद थर्ड वीक ऑफ नवंबर और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में मॉपअप राउंड। तो ये लगभग 7 दिन तक प्रोसेस चलता है, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो या मॉपअप राउंड हो। इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के बाद सीट अलॉटमेंट, और उसके बाद प्रोविजनल रिजल्ट। प्रोविजनल रिजल्ट के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी आपको सीट अलॉट हो जाती है और फिर आपको रिपोर्ट करना होता है उस सीट को, ताकि वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सके। तो ये कुल 5 प्रोसेस, यानी 5-6 स्टेप होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, दूसरा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, तीसरा प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, चौथा प्रोविजनल रिजल्ट, उसके बाद पांचवा आता है अलॉटमेंट रिजल्ट, और छठा रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज। तो ये पूरा प्रोसेस है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है काउंसलिंग कराने का, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये 15% MBBS BDS सीट्स के लिए होता है, और 100% MBBS BDS सीट्स ऑफ BHU, 100% MBBS सीट्स ऑफ एम्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो जिपमर और जितनी भी सीट्स हैं सब ESIC की और जामिया की और AMU की, DU की, ये सारी ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो रिज़ल्ट है नीट का, जैसे ही रिलीज़ हो जाएगा, तुरंत काउंसलिंग के सारे जितने भी स्टेप होते हैं, जितनी भी जो भी प्रोसेस होगा, जो भी डिटेल होगा, तुरंत आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।